नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी एकदम से अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे, और आपकी पढ़ाई भी एकदम से बेहतरीन चल रही होगी। और अब दोस्तों समय आ चुका है कि अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने का, क्योंकि अब आपको अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब समय बचा ही नहीं बिल्कुल। और अपनी तैयारी को एकदम से इतनी बेहतरीन कर लीजिए और कोशिश करें कि जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है उसे ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, नई चीज़ों को ना पढ़ें, क्योंकि जितनी आप अभी इस टाइम पर रिवीजन कर लोगे वो आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको जैसा कि पता है कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्म इस बार बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, 32 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, तो कंपटीशन तो बहुत ही तगड़ा वाला रहने वाला है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत रखें, जिससे आप इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है भाई, तो जैसा आपको पता है कि हमने प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत की थी, तो वो प्रैक्टिस सेटों के क्रम में आज प्रैक्टिस सेट 17 जो मैं लेके आया हूँ, और ये भी पहले की तरह ही काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो पहले अगर आपने 16 सेटों को नहीं किया है तो उन 16 सेटों को भी करें, वह भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अभी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का एक तिहाई भाग 7% पर, एक चौथाई भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो भिन्न यूज हुई है वह कौन कौन से भाग यूज हुए हैं? एक तो यूज हुआ है एक तिहाई, कितना यूज हुआ है एक तिहाई, और एक चौथाई भाग। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा भिन्न में यूज हो तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो मान लेंगे उसने 12 रुपये लिए, ठीक है भाई, कितने रुपए लिए 12। अब 12 का एक तिहाई कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि एक तिहाई इसका 4 रुपये हो जाएगा। तो 12 का एक तिहाई निकालोगे तो 12 का एक तिहाई कितना होता है भाई? 4 रुपये। इसका मतलब उसने 4 रुपये कितने परसेंट की दर से? 7% की दर से, ठीक है भाई। तो ये कितना होने वाला है? 7 चौके 28%, ठीक है भाई। यहाँ ये धन पे ब्याज जो मिलेगा वह कितना मिलेगा? 28% हो जाएगा। और एक चौथाई भाग, इसका एक चौथाई अगर आप निकालोगे तो 12 का एक चौथाई होता है 3 रुपये। तो 3 रुपये पे जो रेट रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है? 8%। तो यहाँ से 8 दिया 24% हो गया, ठीक है भाई। और शेष, अब शेष कितना बचा? 4 और 3 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। तो अब कितना बचा? 12 रुपये धन था तो 5 बचा, और इस पे जो रेट रही है वो कितनी रही है? 10%। तो ये हो जाएगा 5 10 पंजे 50%। और जब इसे जोड़ेंगे 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा 102%। तो अगर हम यहाँ पे नेट रेट निकालना चाहें, जो नेट रेट, तो नेट रेट हमारा कितना? 12 पे ये कितना पड़ा है भाई? 102%। तो ये हो जाएगा, ऐसे काटते हैं तो 6 दुनी 12, यहाँ से ही कट जाएगा, 6 एकन 6, 6 सत्ते 42। तो कुल मिला के जो हमारा नेट रेट रहने वाला है, जो धन का नेट रेट जो बढ़ेगा वो कितना रहेगा? नेट रेट रहने वाला है वह रहेगा 17/2%, ठीक है भाई। तो 17/2% ब्याज हमारा बढ़ा नेट, और उसकी वजह से उसकी आय कितनी हुई? 561 रुपये। तो 17/2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 561। यहाँ 17 से इसे काटेंगे तो 17 * 51 और 17 * 51, और 2 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो भाई यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 33 * 66। और धन हमारा कितना होता है? अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6600 रुपये, ठीक है भाई। समझ पाए होंगे इस बात को, पहले हमने एक तिहाई और एक चौथाई का एलसीएम लिया धन, तो धन हमने कितना मान लिया? 12, ठीक है भाई। तो 12 का एक तिहाई कितना होगा? 4 रुपये। तो उसने 4 रुपये 7% की दर पर दिया है, तो कितना बढ़ेगा? 7 चौक 28% बढ़ेगा। यहाँ पे एक चौथाई भाग कितना हो जाएगा इसका? 3 रुपये हो जाएगा। तो 8 दिया
24% यहाँ बढ़ेगा और शेष कितना बचा, 4 और 3 7 हो गया, बचा कितना 5, ठीक है भाई। तो 10 पंजे 50% ये बढ़ेगा, तो ओवरऑल 102% बढ़ा। तो नेट रेट निकालेंगे 12 पे 102% बढ़ रहा है, तो ये एक पे कितना बढ़ेगा भाई, 17/2%, ठीक है भाई। तो नेट रेट आ गई इसकी 17/2, ओवरऑल जो नेट रेट रहने वाली है वो 17/2% बढ़ेगा। तो 17/2% के बराबर धन कितना बढ़ा है, 561 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू 66, तो 100% की वैल्यू 6600, तो 6600 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये उधार लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में उधार का भुगतान हो जाए। तो भाई ये किस्त वाला सवाल है, तो रेट कितनी दे रखी है भाई, 10%, कितनी दे रखी है 10%, और इसकी जो भिन्न बनने वाली है वह कितनी, 1/10। तो यहाँ धन लिख लें और इधर किस्त, ठीक है भाई। तो पहली साल धन 10 से कितना हो जाएगा, 11। अगली साल क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 100 से ये कितना हो जाएगा, इधर 11 का स्क्वायर 121 होने वाला है। अब क्या करते हैं, दोनों किस्तों को बराबर करेंगे, तो यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे और 11 का इधर भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11 धन के 110 और ये 100। ओवरऑल अगर धन की बात करें तो ये कितना होने वाला है, इधर धन 210, और प्रत्येक किस्त कितने की होने वाली है, 121 रुपये की, ठीक है भाई। अब यहाँ पर धन उसने कितना लिया है, 21,000 रुपये, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग 210 है, तो 210 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,000 यहाँ से, तो यहाँ से ये कितने बार, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 100। प्रत्येक किस्त कितने की रहने वाली है, 121 रेशियो की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो 121 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 12,100 रुपये, ठीक है भाई। तो किस्त क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, अगर 3 किस्त होती तो इसका क्या कर लेते हैं, अगली बार क्यू कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो 12,100 ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वाले दो व्रतों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी जिनके केंद्र 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो पहली बात तो दोनों त्रिज्याओं का योग उनके केंद्रों की बीच की दूरी से क्या हो, ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो भाई। केंद्रों के बीच की दूरी 50 है और त्रिज्याओं की जो योग है वह कितना हो जाएगा, 30 और 40 70। तो ये कैसे सर्कल होंगे, ये एक दूसरे को काट रहे होंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल होंगे, कैसे होंगे भाई, ये सर्कल होंगे, ठीक है भाई। यहाँ से पहले का केंद्र C1 हो गया और ये C2, तो ये दूरी दे रखी है कितनी, दे रखी है 50, कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और यहाँ से प्रत्येक की त्रिज्या इसकी कितनी दे रखी है, ये मान लीजिए 40 और ये दूसरे वाले की 30, किसी भी मान लीजिए 30 40 दोनों व्रतों की अलग अलग, ठीक है भाई। तो एक की 30 सेंटीमीटर, एक की 40 सेंटीमीटर, एक की 50 सेंटीमीटर। अगर यहाँ हम रेशियो देखते हैं 30 40 और 50 का, तो यहाँ से आपको 3 4 5 की ट्रिपलेट बनती हुई दिखेगी। तो 3 4 5 की ट्रिपलेट का मतलब ये जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, समकोण बनेगा, कैसा बनेगा, समकोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोण है वो कैसा है, समकोण, कैसा बन रहा है भाई, समकोण। अब पूछा क्या गया है कि उसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो भाई यहाँ से जो हम यहाँ पे लंब डालेंगे ये, तो ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होने वाली है, इसको नाम दे दें PQ। तो भाई अगर मुझे इस ट्रायंगल की यहाँ से इस कर्ण से, समकोण के सामने बुझा कर्ण हो गई, अगर मुझे ये हाइट पता चल जाए ये वाली, तो मैं पूरी हाइट को क्या निकाल दूंगा, पूरी इसको डबल करके जीवा की लंबाई निकाल दूंगा। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो इस त्रिभुज का क्या निकालते हैं, एरिया। तो एरिया होता है 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाएं, आधार गुणा ऊंचाई, तो 30 गुणा 40। एक तो ये हो गया एरिया, और दूसरा एरिया कैसे निकल सकता है भाई, मुझे बेस भी पता है और ये हाइट, हाइट इसको अगर h नाम दे दूं मैं, तो भाई बेस कितना हो जाएगा, तो इससे भी तो ट्रायंगल का एरिया ही निकलेगा, और दोनों एरिया क्या होंगे, ट्रायंगल, तो भाई ये बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से 1/2 आधार क्या हो जाएगा अब इसका, 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई h मान लें, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और 5 से ये 6 बार, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर।
तो यहां से जो हाइट बनी वो कितनी बनी इसकी, ये जो लंबाई बनी वो कितनी बनी, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर ये है, तो 24 ही ये होगी, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, पी क्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 24 × 2 मतलब 48 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये दो जो वृत्त थे वो एक दूसरे को काटने वाले वृत्त थे, इंटरसेक्टिंग सर्कल थे, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 थी, एक की त्रिज्या 40 दे रखी है और एक की 30। तो जब हमने इसका रेशियो बनाया तो 3 4 5 की ट्रिपलेट बन रही है, और जब ये 3 4 5 की ट्रिपलेट बन रही है तो एक समकोण त्रिभुज होगा, और ये समकोण त्रिभुज होगा तो पहले हमने इसका एरिया निकाला, तो एरिया हो गया 1/2, और समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं लंब और आधार का गुणनफल, 30 × 40, ये यहाँ पर समकोण बनाएगा। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया कि ये हाइट निकाली, ये हाइट, और ये हाइट निकालने के लिए भी हमने क्या एरिया का यूज किया, तो 1/2 आधार, अब आधार क्या है 50, और ऊंचाई क्या हो जाएगी h, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दोनों ही तरीकों से इसका एरिया क्या रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। तो यहाँ से हाइट कितनी निकल आई, 24, और इस 24 का डबल कर दिया तो पूरे पी क्यू जो जीवा की लंबाई है वो कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे, तो 48 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में। बात करते हैं ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, और बी और सी 16 दिन में। ठीक है भाई, आगे क्या कहा गया है कि ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 48। इसका मतलब अगर ए और बी 12 × 48 4 यूनिट काम करेगा तो बी सी कितना करेगा भाई, 3 यूनिट मिलकर के। अब क्या किया हमें इनकी अलग अलग, हमें इनकी क्या नहीं पता, अलग अलग इनकी क्षमता तो नहीं पता कि कौन कितना यूनिट काम करता है, दोनों की कंबाइन यहाँ पे ए और बी की क्षमता में पता है कितना, 4 यूनिट काम करता है, और बी और सी की पता है 3 यूनिट, और यहाँ पे उसने इंडिविजुअली काम कराया है, तो हम कैसे कराएंगे भाई काम, ए के द्वारा 5 दिन काम किया है और हमें यहाँ पे ए की इफिशियंसी नहीं पता, उसकी हमें क्षमता नहीं पता कि ए कितना काम करता है, तो ए को बी के साथ 5 दिन काम करा लेंगे। ठीक है भाई, तो ए प्लस बी का अगर हम 5 दिन की बात करें तो भाई ये 5 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 5 × 20 यूनिट काम कर देंगे, कितना 20 यूनिट। अब ये ए प्लस बी का 5 दिन का काम हो गया, कितने दिन का, 5 दिन का काम। ठीक है भाई, अब ए ने इसमें 5 दिन काम कर लिया, अब आगे बी ने 7 दिन काम किया है, तो भाई बी 5 दिन तो ऑलरेडी ए के साथ काम कर दिया इसने, तो अब बी के साथ किसको कराएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता, बी के साथ सी करा दीजिए काम, तो इनको कितने दिन काम करा देंगे हम, 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन। अगर बी सी को 2 दिन काम कराओगे तो 3 × 6 यूनिट ये काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब देखिए आप देखें कि ए के 5 दिन कवर हो गए क्योंकि 5 दिन ए ने काम कर लिया, और बी के देखिए भाई 7 दिन कवर हो गए क्योंकि 5 दिन ए के साथ काम कर लिया और 2 दिन सी के साथ काम कर लिया, तो दोनों ने यहाँ ए और बी की बात हो चुकी है, ए ने भी 5 दिन काम कर लिया और बी ने भी 7 दिन काम कर लिया। ठीक है भाई, अब बात हुई है कि सी ने उसे 13 दिन में समाप्त कर दिया, जो शेष काम रह गया उसे सी ने 13 दिन में, तो भाई सी 2 दिन तो यहां बी के साथ काम कर चुका है। ठीक है भाई, अब सी ने जो 13 दिन में काम किया था तो 2 दिन यहां काम कर लिया, अब किया है वो काम 11 दिन में किया होगा, तो भाई काम कितना हो चुका है, 20 × 6 = 26 यूनिट। अगर 26 यूनिट काम हो गया तो काम कितना बचा, 22 यूनिट, कितना काम बचा, 22 यूनिट, और इस 22 यूनिट काम को सी ने कितने दिन में किया है, 11 दिन में, क्योंकि 2 दिन तो यहां काम हो ही गया, तो सी की जो क्षमता आएगी, सी की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी भाई, 22 यूनिट काम करने में 11 दिन लगे, तो सी की क्षमता आ गई 2 यूनिट पर डे, कितनी आ गई, 2 यूनिट ये काम पर डे करेगा, और जब ये 2 यूनिट काम पर डे करेगा तो यहां से भाई बी हमसे किस क्या पूछा गया है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अब यहां से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं कि अगर सी 2 यूनिट काम करता है तो बी कितना करता होगा, 1 यूनिट काम करता होगा। ठीक है भाई, और जब ये बी 1 यूनिट काम करता होगा और इससे कितनी 48 यूनिट काम कराया जाए, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 20 टाइम,
अड़तालीस बटे एक मतलब 48 दिन लगेंगे, ठीक है भाई। तो भाई बी को कितना टाइम लगेगा, 48 दिन लगेंगे, ठीक है भाई। तो इस बात को समझ पाए होंगे, एक सेकंड। ठीक है भाई, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 48 दिन। एक बार फिर से इस बात को समझिए कि ए और बी मिलकर के 4 दिन 12 दिन में कर रहे थे और बी और सी 16 दिन में, एलसीएम कितना लिया 48। तो ए और बी की क्षमता कितनी आई, 4 यूनिट काम करने की, और बी और सी की 3 यूनिट काम करने की। अब ए ने इस पर 5 दिन काम किया है तो हमें तो ए की क्षमता नहीं पता, हमने क्या किया कि ए को बी के साथ काम करा दिया 5 दिन। तो 5 दिन जब ए और बी को एक साथ काम कराएंगे तो ए और बी 4 यूनिट काम करते हैं तो 5 दिन में 20 यूनिट काम कर देंगे, ठीक है भाई। आगे ए ने 5 दिन काम कर लिया, आगे बात कही है कि बी ने उस पर 7 दिन काम किया है, तो भाई 5 दिन तो इधर ही कर लिया ए के साथ। अब बी को हमें पता है, बी को सी के साथ काम करने की हमें पता है कि 3 यूनिट काम पर डे करते हैं ये बी और सी मिलके, तो 2 दिन हमने क्या किया कि बी को सी के साथ काम करा दिया, तो 2 3 6 यूनिट, 6 यूनिट काम ये 2 दिन में हो गया। तो इसका मतलब ए ने 5 दिन काम कर लिया और बी ने 7 दिन कर लिया, ठीक है भाई। अब बात हुई है लास्ट में, जो सी ने 13 दिन में काम पूरा किया है तो 2 दिन तो भाई बी के साथ ही कर लिया, अब बचे कितने 11 दिन, और 11 दिन में उसके लिए काम कितना रह गया, जब ये 26 यूनिट काम हो गया तो बचा 22। तो सी की क्षमता आ गई 22 यूनिट काम करने में, अगर इसे 11 दिन लगते हैं इसका मतलब एक दिन में सी 2 यूनिट काम करता है, कितने यूनिट, 2 यूनिट काम करता है। अब यहां से सी अगर 2 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर बी और सी 3 ईंटें लगाते हैं भाई, 3 यूनिट काम करते हैं, तो बी कितनी लगाता होगा, 1 यूनिट काम करता होगा, कितना करता होगा 1 यूनिट। अब बी को कितना टाइम लगेगा, अगर 48 यूनिट काम कराना है तो 48 बटा 1 मतलब 48 दिन, तो 48 दिन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर ऊंचाई 45 सेंटीमीटर धातु के एक शंकु को पिघलाकर 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले बनाए गए हैं तो गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जब भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके आयतन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करें शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है भाई, और ये बराबर होने वाला है एन, मान लीजिए इसमें एन गोलियां बनेंगी, ठीक है भाई, एन गोले बनेंगे, और एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक है भाई। तो पाई से ये पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसमें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 30, और ऊंचाई 45, तो 30 × 30 × 45 बराबर यहां हो जाएगा n × 4, और गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 × 5, ठीक है भाई। तो यहां से 5 से ये 9 बार कैंसिल हो गया, ठीक है भाई, इस 5 से ये 6 बार और इस 5 से ये 6 बार, और काट लें तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, और 4 से ये 36 कट जाएगा 9 बार, तो ये हो जाएगा यहाँ से 9 × 9 = 81। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 81। इसका मतलब कि जो गोले बनेंगे वो कितने बनेंगे, 81। तो दोनों का हमने क्या बराबर कर दिया, आयतन। तो आयतन बराबर किया तो दोनों का फॉर्मूला लगा के हमने क्या उनकी वैल्यूज पुट कर दी, जैसी त्रिज्या और ऊंचाई थी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 81, ठीक है भाई। तो 81 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह उस वस्तु को 496.80 रुपये में बेचता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए भाई चलते हैं। तो दुकानदार ने जो वस्तु खरीदी थी तो सीपी कितना हो गया भाई, 450 रुपये। अब इस पर 20% अधिक डाला, तो भाई 20% 10% कितना होता है, एक जीरो दबा लीजिए, तो 45 रुपये, तो 20% कितना हो जाएगा, 90। 90 इस पर बढ़ा करके अंकित कर दिए तो ये कितने की हो जाएगी भाई, 540 रुपये, क्या डाल दिया, MRP। अब 540 वाली वस्तु को बेचा किस कीमत पे है, 496.80 रुपये में, ठीक है भाई। तो 496.80 रुपये में बेचा है तो यहां से ये कितने की छूट मिल जाएगी, हम क्या करेंगे इसको पूरा मान लीजिए, 400 कितने मान लीजिए, 97, तो कितना भाई बचेगा, 43 रुपये 20 पैसे, ठीक है भाई। तो 43 रुपये 20 पैसे का यहाँ डिस्काउंट मिला, ठीक है भाई।
तो अगर परसेंट डिस्काउंट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 43.20 × 100 / MRP पे निकलेगा भाई कितना हो जाएगा, 540। तो इस 2 जीरो से पॉइंट खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका इकाई अंक 2 आ रहा है और यहाँ ऑप्शन में क्या है 8%, तो 8 का 4 से गुणा करेंगे तभी तो इकाई अंक 2 बनेगा, तो 54/8 कितना, 54/8। तो 8% जो डिस्काउंट रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 8% कितना रहेगा, 8%, ठीक है भाई। तो 450 की वस्तु थी उस पर 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो 90 रुपये बढ़ा करके कितना अंकित कर दिया गया, 540 रुपये। अब उस पर उसने उस वस्तु को 496.80 रुपये में बेचा है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया, 43.20 रुपये का, और 43.20 रुपये 540 का कितना परसेंट है, 8%। तो 8% इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप, परिमाप होता है भाई ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, आयताकार है ठीक है भाई 48। इसका मतलब जो लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वह कितना होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो 24 सेंटीमीटर से ही बस चेक कर लीजिए, और क्षेत्रफल कितना है 108, मतलब L इंटू वी बराबर 108 है, ठीक है भाई। तो बस क्या करना है हमें, इसे ऑप्शन से चेक करना है कि दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाए, 24 हो जाए, और उनका क्षेत्रफल कितना हो जाए, 108। तो भाई 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, और किसी का योग 24 नहीं हो रहा, और इसी का गुणा करोगे तो 18 × 6 = 108। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। वो भुजाएं क्या रही होंगी, लंबाई और चौड़ाई 18 मीटर और 6 मीटर, मीटर में है सॉरी, तो इसे मीटर कर लीजिए, ये मीटर में हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो 18 मीटर और 6 मीटर इसकी भुजाएं हो जाएंगी, क्योंकि उन्हीं को रखने से सेटिस्फाई हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई 18 और 6 रखने पर 24 हो रहा है, गुणा करने पर 108 हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है भाई, 5 सदस्य हैं, तो भाई इनका योग कितना हो जाएगा। तो जब भी हम औसत में नंबर ऑफ टर्म से गुणा करते हैं तो 33 × 5 = 165, ठीक है भाई। तो 165 ईयर इनका पांचों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा आयु का। उसमें सबसे छोटा सदस्य वो 9 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी। तो भाई सब में से 9 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो सब में से जब 9 कम होगा तो कितने सदस्य हैं, 5, तो 9 × 5 = 45, तो 45 क्या हो जाएगा, कम, तो क्या रह जाएगा, 120। अब 120 जो आयु का योग रह जाएगा वो कितने लोगों की रह जाएगी, 4 लोगों की, क्योंकि एक बच्चे का तो उस टाइम पे जन्म ही नहीं हुआ है, बिल्कुल एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात कर रहा है, जैसे ही जन्म हुआ। तो अब ये लोग कितने रह जाएंगे, 4, और 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो 30 ईयर, कितना, 30 साल। तो जन्म के समय कितनी होनी चाहिए, 30, यहाँ ऑप्शन में करेक्शन होना चाहिए, एक ऑप्शन 30 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो 30 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो जब भी जन्म के समय की बात करें, जितने समय की बात करें, तो जितने पर्सन हो, जैसे यहाँ पे 5 पर्सन थे और छोटा बेटा था उनका 9 साल का था, तो 9 × 5 = 45 साल बैठा लेंगे, और शेष में एक कम से क्या दे देंगे, भाग, क्योंकि उसका तो उस टाइम पर जन्म हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये 4 लोग रह जाएंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दिया 120, 30 ईयर इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। तो भाई जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे, पेड़, व्यक्ति आदि को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर चलती है। इसका मतलब ये 150 मीटर जाने में अगर इसे 15 सेकंड लगे तो क्या इसकी स्पीड 10 मीटर/सेकंड नहीं होगी, बिल्कुल होगी, 10 मीटर/सेकंड होगी। और विपरीत दिशा में, अब ये ट्रेन जा रही है 10 मीटर/सेकंड की चाल से और विपरीत दिशा में आ रही है, इसकी लंबाई क्या, विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की, दोनों की लंबाई क्या है, सेम है, इसका मतलब ये भी 150 तो ये भी 150, भाई दोनों की लंबाई सेम है, 150 मीटर है, ठीक है। विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती, भाई इसकी चाल नहीं पता, तो इसकी चाल मान लीजिए x मीटर/सेकंड है। अब इसने समान लंबाई की ट्रेन को पार किया, तो जब भी ट्रेन समान लंबाई की ट्रेन को पार करे, पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं। अब टोटल लंबाई कितनी चलेगी भाई, 300, ठीक है भाई। तो ये हो गई दूरी, ठीक है, और समय अब कितना लगा है, 12,
तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या होगी, दोनों जुड़ जाएंगी, 10 प्लस x, ठीक है भाई, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, दोनों जुड़ गई, चाल है। और यहाँ पे हमारी यूनिट सब ठीक है क्योंकि ये मीटर में है दूरी, और ये हमारी चाल है, ये भी मीटर पर सेकंड में थी और ये भी हमने किस में मानी, मीटर पर सेकंड में, और समय हमारा सेकंड में है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 से इसे काटोगे, 12 दूनी 24, 12 अपन 60, ये अगर गुणा में चला जाएगा तो 10 प्लस x बराबर 25, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इधर माइनस होके 15। तो यहाँ से जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वह कितनी आई है भाई, 15 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या गया है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए, तो 15 गुणा भाई किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 18 बटे 5 का, तो 5 3 15 और 18 3 54। तो यहाँ से जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल रहने वाली है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है, तो 54 ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC की पर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई है। तो भाई बात समझिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC और पर त्रिज्या दी गई है ये वाली, ठीक है भाई, पर त्रिज्या मतलब परिवृत्त वाली। तो अगर पर त्रिज्या की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में जो पर त्रिज्या होती है बड़ी R, वो क्या होती है, हाइट का 2/3 होती है। और अगर इसमें स्मॉल रेडियस दी हो भाई, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी हो, तो वो होती है हाइट का 1/3, ठीक है भाई। अगर ये भी पूछा जाता है तो इसे भी ध्यान रखें कि जो उसकी सरकम रेडियस होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है, वह ऊंचाई का 2/3 होती है, और जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है वो ऊंचाई का 1/3 होती है। तो हमें क्या दे रखी है, परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो 8 बराबर h गुणा 2/3, तो 2 से कितने बार 4 बार, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 या 12 सेंटीमीटर। तो यहां से जो हाइट रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, तो 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 8 9 7 6 8 9 7 6 5 A 4 B, ठीक है, 8 9 7 6 5 A 4 B, संख्या में ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या 18 से विभाज्य है। अब भाई अगर ये संख्या 18 से विभाज्य है तो आप कहोगे ये 9 गुणा 2, मतलब 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है भाई, और 2 से विभाज्य होने का मतलब इकाई अंक, भाई बी की जगह क्या क्या आ सकते हैं, इकाई अंक 0 2 4 6 8 होंगे, तभी तो यह 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने का मतलब कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, हमारा सम होना चाहिए, तो इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो सकता है बी की जगह। अब बात करते हैं 9 से, और 9 से विभाजित होने के लिए इनका जो डिजिटल सम है, क्या डिजिटल सम वह कितना होना चाहिए है, 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 खत्म हो गया डिजिटल सम, और यहाँ 5 और 4 9 खत्म हो गया, ठीक है भाई, तो 6 और 7 13, 13 और 8 21, और 21 में 9 से भाग 18 तक चला जाएगा तो बचेगा 3 प्लस A प्लस B। अब इन संख्याओं का योग या तो कितना हो भाई 9 हो, या कितना हो और 18 हो, ठीक है भाई, तभी तो ये 9 से विभाजित होगा, या तो इसका योग कितना हो जाए 9 हो जाए, या इनका योग 18 हो जाए, 27 नहीं कर सकते, 27 करने के लिए क्या होगा कि इनके जो अंकों का, अंकों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 9 से ज्यादा हो जाएगी, तो अंक तो हम 9 तक ही रख सकते हैं। तो या तो इनका योग सबका कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, तो 3 तो अभी कम कर दीजिए, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 या 15 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 6 या 15, ठीक है भाई, तो 6 या 15 होना चाहिए, तो a प्लस बी का योग कितना होना चाहिए 6। अगर हम 6 बनाने के लिए यहाँ 0 है तो a का मान क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, पहले 6 की बात करेंगे, अगर b का मान 2 है तो a का मान क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर b का मान 4 है तो यहाँ कितना रख सकते हैं 2, ठीक है भाई, अब 6 नहीं 6, और 6 बनाने के लिए यहाँ पे कितना रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब इन दोनों का योग आप देखिए 6, 6 बनने की कितनी पॉसिबिलिटी बनी 1 2 3 4, ठीक है भाई, इन दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है देखिए 6 हो रहा है,
तो इतनी जोड़े संभव तो हो गए, चार जोड़े तो इससे बन गए छह से। अब 15 की बात करें तो 15 के लिए यहां 6 है, तो यहां पे कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। तभी ये 15 हो सकता है। तो एक और जोड़ा बन जाएगा ये कि अगर बी की जगह 6 रख दें और ए की जगह कितना रख दें? 9 रख दें, और यहां पे 8 है, तो 15 बनाने के लिए यहां कितना रखना पड़ेगा? 7। तो टोटल कितने जोड़े संभव हैं? तो कितने पेयर संभव हैं? 6 जोड़े संभव है। कितने? 6 जोड़े बन गए। तो 6 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को कि हमने बी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी बना ली? 0, 2, 4, 6, 8। क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक कितना क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। फिर बात आई ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई? ए की वैल्यू इन तीनों का सम 9 या 18 होना चाहिए। तो 3 हमने इधर माइनस कर दिया, तो ए प्लस बी इन दोनों संख्याओं का योग या तो 6 हो या 15 हो। तो 6 बनाने के लिए जब बी की वैल्यू 0 हो तो ए की वैल्यू 6 होगी, या अगर बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू 4 होगी, तभी तो 6 होगा। बी की वैल्यू 4 है तो यहाँ 2 होगी, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ 0 होगी। तो ये चार पॉसिबिलिटी तो बन गई थी 6 के लिए। अब 15 के लिए बात करते हैं, तो यहाँ 6 है तो यहाँ एक 9 होगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, और यहाँ 8 है और एक 7। तो कितने? ओनली 6 पेयर आर पॉसिबल, 6 जोड़े संभव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला, 30 की घात 5 गुणा 24 की घात 5 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये भी क्या अभाज्य गुणनखंड में टूटनी चाहिए, ये संख्या भी अभाज्य संख्याओं में टूटनी चाहिए। तो 36 को हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई? तो वो सॉरी, 30 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 30 को तोड़ सकते हैं 6 5 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5। 30 के ये फैक्टर हो गए। अब ये अभाज्य संख्या है, 2, 3 और 5 कैसी है? अभाज्य संख्या, और इस पर पावर कितनी हो जाएगी? 5। और 24 को तोड़ सकते हैं 8 या 24, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3। ठीक है भाई, 8 या 24, और इस पर भी घात कितनी हो गई? 5। अब इनको अगर हम सही रूप में लिखें तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 पे घात 5 हो जाएगी। ठीक है, ये 5 सब पे बांट ली, और ये कितनी हो जाएगी? 2 पे घात 5 या 15 गुणा 3 पे घात 5। अब इन सबको अगर मिलाते हैं तो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 पे ओवरऑल घात कितनी हो जाएंगी? 20। ठीक है भाई, और 3 पे 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 3 पे घात कितनी हो जाएंगी? 10, और 5 पे घात कितनी हो जाएंगी? 5। तो अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो बेसों को पहले तो अभाज्य बना लीजिए और इनकी पावरों को ऐड कर दीजिए। तो 20 प्लस 10 प्लस 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 35। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 35। तो 35 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो कभी भी ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, तो इन संख्याओं को अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्ण विभाजित है, लेकिन यदि एक्स को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से विभाज्य किया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है, तो एक्स के अंकों का योग। तो भाई ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं? तो 4, 5, 6, 7, 8 और 12। ठीक है भाई, तो ये जो संख्या है, पहली बात तो इसका हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 4, 6, 8 और 12 का कितना हो जाएगा? 24, और ये 5 और ये 7। ठीक है भाई, तो 24 5 120 और 12 7 84, तो एलसीएम आएगा 840। ठीक है भाई, तो जब 840 आएगा तो हम इसे कैसे लिख लेंगे? 840 के प्लस कितना रिमाइंडर बच रहा है? 2। तो ये हमारा बन गई संख्या। अब ये क्या बन गई? हमारी संख्या बन गई, पर उसने क्या कहा है कि ये भाई 13 से भी विभाज्य है। तो जब ये संख्या बन जाएगी, और ये संख्या कितने से विभाज्य होनी चाहिए? 13 से। तो 13 से विभाजित करेंगे तो अलग अलग कर लीजिए, पहले इसको विभाजित कर लें। ठीक है भाई, तो 13 6 78 बचेगा, यहाँ से 6 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, और 13 4 52, तो कितना बचेगा भाई? 8। तो 8 के प्लस 2, अब इसको डिवाइड कितने से करना है? 13 से। ठीक है भाई, तो यहाँ हम k का मान क्या लगाएं? अगर हम 1 रखते हैं तो 8 एकन 8 और 2 10 नहीं जाएगा, 2 रखते हैं तो 8 दूनी 16 2 18 नहीं जाएगा, और जैसे हम 3 रखेंगे तो 8 3 24 और 2 26, तो k का मान क्या निकल के आया? 3। अब जब k का मान 3 निकल आया तो हमने संख्या क्या बनाई थी? ये 840 k प्लस 2। तो हमारी जो संख्या निकलेगी वह कितनी हो जाएगी? 840 गुणा 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगी
जीरो 8 3 24 की, तो सॉरी 3 चौक 12 की, 2 हासिल, 1 आउट 24 और 1 25। ठीक है भाई, तो 2520 प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा 2522। तो संख्या जो निकल के आएगी 2522। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया और एलसीएम के साथ के मान के वह संख्या मान ली, तो 840 इसका एलसीएम आया, 840 के प्लस 2, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है भाई, अब ये कहा गया कि संख्या 13 का गुणज भी है, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 13 से विभाज्य किया, तो 13 से इसको विभाज्य किया तो कितना बचा 8k, और 8k प्लस 2 को अब 13 से विभाजित करने के लिए k का मान कितना लगाना पड़ेगा भाई, 3 लगाना पड़ेगा, तो 8 3 24 हो तो 26 डिवाइड बाई 13 पूरा पूरा हो जाएगा। तो k का मान जब 3 आ गया तो ये संख्या में रख दिया, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 4 3 12 तो 2520 प्लस 2 2522। पूछा क्या गया है, एक्स के अंकों का योग, तो 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई 11, तो 11 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है तथा 15 वर्षों में 3500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। ठीक है भाई, करते हैं इसका मूलधन ज्ञात। देखिए भाई, एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, मान लीजिए यह पी धन है, कितना धन है पी धन, तो 10 वर्षों में कितना हुआ भाई 2800 हो गया, और बात की जाए 15 वर्षों में यह कितना हो जाता है 3500, इसका मतलब अगले 5 साल में कितना हो जाता है 3500 हो जाता है। ठीक है भाई, तो 2800 से 3500 कितने साल में हो जाता है, 5 साल में। अगर हम इसे काटते हैं भाई, तो 2800 से 3500 होने का मतलब है भाई 700 से कटेगा, 7 चौक 28 75 35, इसका मतलब 5 साल में धन हमारा 4 से 5 हो जाता है, कितना हो जाता है 4 से 5 हो जाता है। तो यहाँ पे 10 साल है, इसका टाइम क्या है 5 से, ये डबल है, तो ये क्या होगा 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा, तो भाई ये कितना होना चाहिए 4 से 5। ठीक है, पहले 5 साल में हो जाएगा और अगले साल में फिर 4 से 5 हो जाएगा, इसका मतलब ये 16 से कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब जब 25 के बराबर कितना है भाई 2800 है, 25 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2800। ठीक है भाई, तो 16 के बराबर निकाल लेंगे तो मूलधन पता चल जाएगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 25 से काटते हैं, तो 25 एकन 25 बचेगा 3, 25 एकन 25 और 25 बचा कितना 5 और 25 दूनी 50। ठीक है भाई, देखिए 25 एकन 25 3 बचा, 25 एकन 25 5 बचा और 25 दूनी 50, 112 बार कैंसिल हो गया, तो हमें क्या निकालना है 16 रेशियो, अगर 16 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये मूलधन निकल आएगा, तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 × 112, तो 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 एकन 16 और 3 19 हासिल 1 16 एकन 16 और 1 17, तो 1792 यहाँ पे जो मूलधन रहा होगा वह कितना रहा होगा 1792 रुपये। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे, कोई धन 5 10 साल में कितना हो जाता है 2800 और अगले 5 साल में मतलब 15 साल में 3500 हो जाता है, तो 2800 से 3500 होने में 5 साल लगी, तो भाई यहाँ से जब हमने इनका अनुपात बनाया तो हमें ये पता चला कि धन 5 साल में 4 से 5 हो जाता है, तो यहाँ पर 10 साल थी तो ये धन 2 बार ऐसा हुआ होगा 4 से 5 और फिर 4 से 5, तो 16 से 25 हुआ होगा, तो 25 के बराबर 2800, तो 16 के बराबर कितना आ जाएगा 1792, तो 1792 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, इसका मतलब भाई कई बार करा है क्वेश्चन, तो 100% अगर हमारा मूलधन है तो भाई दोगुनी होने का मतलब जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 200%, तो ब्याज के रूप में जो SI बढ़ा वो कितना हो गया 100% बढ़ गया, और ये 100% बढ़ने में कितना टाइम लगा 15। ठीक है भाई, तो 5 से ये 3 बार और ये 5 से 20 बार, तो 20/3 का मतलब होता है 6.66%। ठीक है भाई, तो 6.66%, यहाँ भी ऑप्शन की मिस्टेक है, 6.66% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, तो आज के ये 15 क्वेश्चंस
यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, नमस्कार।